नमस्कार। शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि अदरक कितनी फायदेमंद है आपके शरीर के लिए और उसके क्या क्या आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने लिए। अदरक को बहुत मतलब ये मान के चलिए कि बहुत समय से एक मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और खासकर चाइना में, क्योंकि होता क्या है कि अदरक के अंदर इतनी ताकत है कि ये मान ले आपकी चाइना और भारत दो हैं जो बहुत अधिक मात्रा में औषधि के रूप में अदरक को उपजाते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके बड़े फायदे हैं। और आप तो ये मान के चले कि ये अदरक जो है पेट की समस्याओं के लिए, मतली, दस्त, दांत दर्द, रक्तस्राव, गठिया, ये उन सारी चीजों के लिए एक औषधि के रूप में है और इसका इस्तेमाल चाइना वाले लोग भी बहुत करते हैं और हिंदुस्तानी तो आपको पता ही है कि इसके लिए करते ही करते हैं, क्योंकि ये इतनी कमाल की चीज है। ये पाचक शक्ति को आपको स्ट्रांग करती है, आपकी अग्नि को, जो पाचक अग्नि है उसको बढ़ाती है और आपको भूख लगती है, और जब आपको भूख लगेगी तो आपकी बॉडी के जो दूसरे हिस्से हैं उसके अंदर भी अपने आप इसके पोषक तत्व पहुंचने शुरू होते हैं और जिससे आपकी बॉडी के अंदर आराम आना शुरू होता है, क्योंकि ये अपने आप में कमाल है। देखिए, कैंसर की जो कोशिकाएं होती है ना उसको नष्ट करने में बहुत सक्षम है। जी हाँ, ये जो आपका अदरक है ना, ये मान के चलिए कि ऐसा कमाल का वो है, क्योंकि अदरक में कोशिकाओं को नष्ट करने की एक ऐसा तत्व है जो इन सारी चीजों को दूर करता है, जो आप ये मान के कि कैंसर के जो तत्व है जो आपकी बॉडी के अंदर बनने शुरू होते हैं। और अदरक पाउडर और पानी का एक लेप लगाया। जी हाँ, देखिए ये सारी चीजें क्या है, लोगों ने उस पर बड़े इस्तेमाल भी किए हैं। हम उन इस्तेमाल के बारे में तो आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत से इस्तेमाल है, किस किस चीजों के बारे में आपको डिटेल्स में जाएंगे, लेकिन हम इतना कह सकते हैं आपको कि अगर आप लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है अदरक। और अदरक मधुमेह में भी बहुत फायदेमंद है। दो तरह की मधुमेह होती है, टाइप 2 और टाइप 1 की। अदरक के इस्तेमाल से ये मान के चलिए कि आप अदरक के तत्व इंसुलिन के प्रयोग में बिना ग्लूकोज को स्नायु कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करते हैं। मतलब ये मान के चलिए कि आपकी बॉडी के अंदर जो आपका हाई शुगर लेवल है उसको काबू करने में अदरक बहुत मदद करता है। और ये मधुमेह जैसी जटिल बीमारियों को होने से बचाता है, क्योंकि अदरक मधुमेह के पीड़ित लीवर, किडनी और अंदर की बॉडी की जो मेन तंत्र है उसको सुरक्षित करता है। हार्ट के लिए बहुत लाभकारी है। मतलब ये मान के चलिए कि अदरक अपने हार्ट को बहुत मजबूत बनाता है। और ये आप इसके अदरक का तेल भी आप इसको प्रयोग में कर सकते हैं। जी हाँ, इस जड़ी बूटी के तत्व जो है, जो अदरक है उसके जो तत्व हैं वो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं, रक्त प्रवाह में सुधार लाते हैं, अवरुद्ध जो आपकी कोशिकाओं में कई ब्लॉकेज है, रक्त के थक्के जमते हैं उनको दूर करते हैं और आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करते हैं। और पाचक तो है ही, इसमें तो कोई मना ही नहीं कर सकता। हजारों साल से लोग गैस की प्रॉब्लम होती है या पेट फूलने की प्रॉब्लम होती है या उदर वायु की प्रॉब्लम होती है तो लोग अदरक का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपके पेट में मरोड़ हो या मांसपेशियों में खिंचाव हो तो उसमें भी ये अंजीर्ण की, अगर दस्त की प्रॉब्लम लग जाती है तो भी ये आपको बहुत फायदा देता है। अदरक भोजन से पहले नमक छिड़क कर अदरक के टुकड़े खाने से लार बढ़ता है, जो पाचन में मदद करता है और पेट की समस्याओं को दूर करता है। अदरक की चाय पीने से पेट फूलने और उदर वायु में आपको मदद मिलती है, आपको पेट की जो समस्याएं हैं उससे आपको आराम मिलता है। तो अदरक एक ऐसी चीज है जो आप मानिए कि कितनी अच्छी है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको उल्टी की प्रॉब्लम है या आपको जी मचला रहा है तो भी आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके फायदे के लिए है, आपके शरीर को और आपके जीवन को अच्छा करने में बहुत मदद करती है। और हाँ, और अगर एक चीज और है, जोड़ों का दर्द, अगर किसी को जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम है
या अर्थराइट्स में, इसमें भी अदरक जो है बहुत राहत देता है, क्योंकि इसमें जिंजरोल नामक एक बहुत ही असरदार पदार्थ होता है जो जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द को कम करता है। तो आप ये मान के चलिए कि कितनी अच्छी चीजें कुदरत ने बनाई है हमारे लिए और हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमें चाहिए कि उसका इस्तेमाल करें और कसरत से होने वाली सूजन या मांसपेशियों में अगर दर्द होता है तो अदरक का इस्तेमाल करके आप उससे भी, उसको आप कच्ची या पकाई हुई अदरक कैसी भी खिलाएं आप उसको, उससे आराम मिलेगा और माइग्रेन या मासिक धर्म की पीड़ा को भी कम करता है अदरक। मतलब कितने फायदे गिनवाऊं मैं आपको, इसलिए मान के चलिए कि अदरक अपने आप में कमाल की चीज है। और हाँ, अगर आपके सांस की प्रॉब्लम है, आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं जा रही है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप अदरक का सेवन करते हैं तो आपको इन सारी चीजों से भी छुटकारा मिलेगा और आपका जो सांस लेने की नली है वो क्लियर होगी। दमा में बहुत फायदेमंद होता है। तो आपको चाहिए कि आप इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करके अपने जीवन को अच्छा बनाएं। अदरक सर्दी और खांसी में भी बहुत लाभदायक है। सर्दियों के मौसम में अक्सर लोगों को फ्लू, सर्दी, खांसी की प्रॉब्लम होती है। इसके अंदर अगर आप अदरक का इस्तेमाल करते हैं, अदरक वाली चाय पीते हैं या नींबू, नींबू और शहद के साथ अदरक की चाय पीना बहुत लोकप्रिय होता है, अगर आप इसको पीते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अदरक में गर्मी होती है, गर्मी वाले गुण होते हैं। सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए सबसे अहम है कि अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए कि आप अपनी बॉडी के अंदर के फंगल्स और बैक्टीरियल्स को निकालने के लिए अदरक जो है बहुत ही लाभकारी होता है। इसलिए हम तो कहेंगे कि और आप इसका इस्तेमाल कीजिए, एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी बॉडी के अंदर मधुमेह, हार्ट रोग, आर्थराइट्स, इस तरह की बीमारियां, कैंसर, इस तरह की बीमारियों को दूर करने की ताकत है उसके अंदर। और हाँ, एक चीज और है, हम आपको बता देना चाहते हैं कि छोटे बच्चों को, जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनको अदरक नहीं दी जानी चाहिए। आम तौर पर अदरक जो है 1 दिन में 4 ग्राम से ज्यादा अदरक नहीं लेनी चाहिए। इसे खाना पकाने में इस्तेमाल किए जाने वाला अदरक भी शामिल है। सोचिए, भला आपकी बॉडी को 4 ग्राम भोजन बहुत है अदरक का, और गर्भवती स्त्रियों को 1 ग्राम भोजन, 1 ग्राम, सिर्फ 1 ग्राम अदरक, उससे अधिक नहीं लेना चाहिए। और हाँ, आप अदरक की चाय बनाने के लिए सूखे या ताजे अदरक की जड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और रोजाना 2 से 3 बार आप चाय पी सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा अगर आप पीते हैं तो वो नुकसान देती है। अत्यधिक सूजन को कम करने के लिए आप रोजाना प्रभावित क्षेत्र पर कुछ बार आप अदरक के तेल से मालिश कर सकते हैं, आपको उसमें आराम आएगा। अदरक खून को पतला करता है और ये बहुत ही बेहतर है आपके शरीर के लिए। तो इतनी अच्छी चीजें हमने आपको बताई है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। और आपको एक और रेसिपी भी बता देते हैं बहुत बढ़िया सी, कि अदरक और नींबू की चाय कैसे बनाई जाए। जी हाँ, देखिए, इसका कोई प्रभाव नहीं होता। एक पतीले के अंदर आप 4 कप पानी उबाल लें और उसमें 4 कप पानी उबालने के बाद उसमें 2 इंच अदरक के टुकड़े को 20-25 तुलसी पत्तों के साथ कूट के डाल दें। इस पेस्ट को सूखी हुई धनियों के बीजों के साथ उबालते पानी में डाल दें और 2-3 मिनट तक उबलने लगे, और इसके बाद चाय को कप में छान लें और स्वाद के लिए 1 चम्मच नींबू का रस और गुड़ मिलाएं और फिर पीजिए वो गर्मा गर्म चाय। देखिए कितना आराम आता है और कितना बढ़िया लगता है आपको। तो हमने आपको बताया कि अदरक कितना फायदेमंद है आपके लिए, आपके शरीर के लिए, आपकी हार्ट के लिए, मधुमेह के लिए, मतलब खांसी के लिए, दमा के लिए। ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिससे अदरक आपको फायदा नहीं करता? तो आप अदरक का इस्तेमाल करके अपने आप को तंदुरुस्त रखिए, स्वस्थ रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे को आप टिप्पणियां कर सकते हैं, आप लाइक्स कर सकते हैं, और सब्सक्राइब तो आप करते हैं और शेयर करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। बस अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा और नई नई जानकारियां जो हमको मिलती है उसका आप आनंद लीजिएगा, खुश रहिएगा। और क्या बताएं हम आपको, बस हमारा तो ये मानना है कि जो जानकारी हम आपको देते हैं अगर वो आपको सूट करती है, अच्छी करती है, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। और अगर वो आपको सूट नहीं करती है, सूट करने से पहले भी आप अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आप स्वस्थ रहें, हमारी यही मनोकामना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना ज्यादा हो सके लोगों का भला हो,
लोगों का भला होगा तो परमात्मा हमारा अपने आप भला करेगा। और हमारा मानना यही है कि हम लोगों का भला करें, दिल से हमारी यही दुआ है, हमारी यही मनोकामना है। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।